हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू करियर विल एसएससी चैनल आप सभी का करियर विल के एसएससी के चैनल पे इस लाइव बैच में स्वागत है ठीक है चलो भाई ऑडियो में उम्मीद करती हूँ कि मेरा ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा बहुत बढ़िया तरीके से आपके पास मेरी आवाज और मेरा वीडियो पहुंच रहा होगा पहुंच रहा है तो जरा सुन लीजिए कि आपकी इसी चैनल पे डेली रात को आठ से नौ में साइंस की क्लास चलने वाली है ये जो साइंस की क्लास है मैं आपको बता देती हूँ वैसे हर रोज बताती हूँ कि जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं जैसे अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में ए की वैकेंसी आ चुकी है फाइव सिक्स नाइन सिक्स टेक्नीशियन की वैकेंसी पहली बार अलग दी है जो नौ हजार है और हमें कहीं ना कहीं कुछ परसेंट उम्मीद चांस भी है कि भैया ये वैकेंसी बढ़ेंगे भी बाकी देखते हैं आगे और बहुत जल्दी आपको ग्रुप डी और एन की भी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी और साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप एस के किसी भी सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं जैसे आप एस एस सी सी सीपीओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा इनकी तैयारी कर रहे हैं अगर आप यूपी कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं फेब्रवरी में जो आपका होने वाला है तो आप बिल्कुल साइंस की अच्छी क्लास में है ना चलो फिर स्टार्ट करते मैं आपको से दो सौ क्वेश्चन वही आपके एग्जाम में आएंगे उसमें से ही आपके पांच जितने भी चार पांच क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपके एग्जाम में आ जाएंगे वो मैं रखूंगी नेक्स्ट वीक में ठीक है एग्जाम से पहले तो एग्जाम से पहले की यूपी कॉन्स्टेबल की एक ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक ही क्लास लेके आऊंगी बस आपको एक ही पढ़नी है वो लेकिन वो अच्छे से पढ़ लेनी है आपको ठीक है मैं आपको डेट अनाउंस कर दूंगी एक से दो दिन का टाइम दो तो यूपी कांस्टेबल वाले बच्चों की प्रॉब्लम मैंने बिल्कुल खत्म कर दी आपकी राइट चलो अब आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस देखो मैं यहां पे इस क्लास में क्वेश्चंस चाहे आपको मैं 15 20 क्वेश्चन करवाऊं लेकिन एक क्वेश्चन से जितने भी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और बाकी के ऑप्शन सब एक्सप्लेन करके अगर आपने दस क्वेश्चन किए तो समझ के चलना चालीस क्वेश्चन कर लिया है आपने है ना हम इस तरीके से पढ़ते हैं यही मेरा तरीका है पढ़ाने का और शायद अगर आप मेरे से पहले पढ़े होंगे तो मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ इसके अलावा मुझे क्लास के बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा कि मैम थ्योरी पढ़नी है थ्योरी पढ़नी है कैरियरविल का अपलीकेशन डाउनलोड कर लो वहां पर साइंस स्पेशल ट्वेंटी बैच थोड़ा पुराना हो चुका है ट्वेंटी नया है वो आप ज्वाइन कर सकते हो बस इसके बाद बैच बैच की कोई बात नहीं करेंगे हम पढ़ाई की बात करेंगे आ जाओ क्लास का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये रहा वो है जो और रेलवे के के प्रीवियस एग्जाम्स में में आए हैं मैं बायो, फिजिक्स एंड एंड साथ में आपका साइंस टेक भी यहां पे क्वेश्चन सारे करवाने वाली ठीक है और जो सब बढ़िया तरीके से नाम लेंगे

अलेक्जेंडर वो महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि हम बहुत सारी बीमारियां हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं किससे तो एंटीबायोटिक से जैसे पेनिसिलिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये पेनिसिलिन कब लेते हैं हमने तो कभी सुना ही नहीं बच्चों इस बीमारी इस दवा को बोलते हैं रामबाण जब आपको बहुत तेज बुखार हो जाए हड्डियों में बुखार चला गया बुखार एक सौ तीन एक सौ चार डिग्री हो गया तो जब कोई टैबलेट काम नहीं करती है तो डॉक्टर और ये बात आती है कि मैम किससे बनाया गया यह पेनिसिलिन तो पेनिसिलिन को ऑप्टिन किया गया था एक फंगी से एक कवक से फफोज से और जिस कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम जिसका नाम क्या था कवक का नोटेटम इस नाम के कवक से इसको किया गया गया था था यानी कि इसको बनाया गया था. तो अगर आपसे पूछ ले कि किससे बनाया गया तो इससे इसको क्या बोलते हैं रामबाण दवा एंटीबायोटिक्स क्या होती है सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है एक और भी ऑप्शन है लुइस पास्चर लुइस पास्चर भी किस लिए जाने जाते हैं एक साइंस का आपने ब्रांच पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में लुईस पास्चर ने बहुत सारे काम किए हैं इसीलिए हम इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक भी हम लुइस पास्टर जी को मानते हैं राइट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है जनरली जनरल लेक्राइमल ग्लैंड्स ग्लैंड किसका श्रावण करती है क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लेक्राइमल ग्रंथियां होती हैं वो क्या बनाती हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेक्राइमल ग्रंथियां होती कहाँ हैं आपकी आंखों में इस हिस्से में यहां पर कुछ यहां पर आपकी लेक्राइमल ग्रंथी होती हैं और ये जो लेक्राइमल ग्रंथि हैं इन्हीं को आप टीयर ग्लैंड कहते हो इन्हीं को आप अश्रु ग्रंथि कहते हो ये आंसू बनाती है

और एग्जाम में क्वेश्चन आता है एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है तो लिख दो यह सबसे छोटी बहिश्रावी ग्रंथि भी होती है कितनी दोनों आंख में दो होती है ठीक है और क्या बनाती है आंसू बनाती है जब आप बहुत बार रोते हो तो आपके जो आंसू चलते हैं वो इन्हीं ग्रंथियों की वजह से बनती हैं और ये सबसे छोटी वही श्रावी ग्रंथियां होती हैं याद रखिएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं और इनका सिक्रेशन क्या है तो इनका सिक्रेशन आंसू है अब मुझे कौन होशियार बच्चा है जो ये बताएगा कि आंसुओं का पीएच के मान कितना होता है आंसुओं का पीएच का मान क्या होता है ये आपका होमवर्क है आप बताओगे बाकी ऑप्शन पे बात करते हैं फिर हम आपको लेक्राइमल ग्लैंड दिखाएंगे कहाँ होती है देखो बच्चा सेबम क्या होता है आपके जो स्किन से थोड़ा सा तेल सा निकलता है ना उसको सैबम कहते हैं देखा हम कभी कभी दो तीन दिन तक नहाते नहीं बाल नहीं धोते तो बालों में से निकलने लग जाता है, तो उसी को आप सैबम कहते हो उसी को आप सैबम कहते हो। म्यूकस क्या होता है जुखाम होती है ना नाक से जो पानी चलता है दैट इज म्यूकस आपका लार चिपचिपा है ना लार सलाइवा तो वो किसकी वजह से म्यूकस की वजह से चिपचिपा है और पसीना तो पसीना पसीना बनाने वाली ग्रंथियां से क्रीट करती है अब मैं आपको दिखाती हूं कि लेक्राइमल ग्लैंड होती कहां है ये देखो इस तरीके से आपकी आंख है और इस आंख में ये रही आपकी ग्लैंड ये रही आपकी लेक्राइमल ग्लैंड यहां से आंसू बनते 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 इस जगह से आपके ऐसे बाहर आ जाते हैं आपका क्योंकि यहां पर लेक्राइमल लेक होता है लेक्राइमल झील बोलते हैं इसको और यहीं से आपके आंसू बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं यहां से नली से नली से होते हुए यहां से

कोई बैक्टीरिया है कोई फंगस है कोई यानी क्रिमी है, कोई यानी कि कृमि है है वायरस किससे होता है एड्स बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आप हैरान हो ये आपका दिल्ली के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है अब आप बोलोगे मैम इतना आसान क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी थके हुए क्वेश्चन पूछ लेता है कॉन्स्टेबल आपका यूपी कॉन्स्टेबल का एग्जाम होगा तो मैं क्या लग रहा है उसमें बहुत ज्यादा लेवल के क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है मैं बोल रही ना मैं एक डेढ़ सौ दो सौ क्वेश्चन की क्लास दूंगी उसी से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे मैं क्यों कह रही हूँ क्वेश्चन आते हैं कॉन्स्टेबल के एग्जाम में तो एड्स एड्स किससे होता है एक बीमारी का नाम है और जो किससे होता है एक वायरस से अब एड्स करने वाला वायरस का नाम होता है एच वायरस एच और इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिय वायरस ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी लगाना है बच्चा ठीक है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस नाम से क्लियर है वो वायरस जो ह्यूमंस में इम्यून सिस्टम में कमी ले आए वो वायरस जो हमारे बॉडी में आ गया तो हमारे बॉडी में क्या करेगा इम्यून सिस्टम में कमी ले आता है और इस वायरस के होने से अगर आप एचआईवी पॉजिटिव हो यानी कि अगर आपके बॉडी में ये एचआईवी वायरस की प्रेजेंस है तो बच्चा एक दिन में एड्स नहीं होता है अगर आपकी बॉडी में एच है तो आप तो पॉजिटिव हो पॉजिटिव से एड्स तक आने में डेढ़ से दो साल लग जाता है ठीक है वायरस है या नहीं वो आप बहुत सारे टेस्ट होते हैं जैसे हो गया जैसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग हो गया उससे कंफर्म हो जाता है तो ये बताते हैं कि आपके बॉडी में एच वायरस है या नहीं लेकिन एच पॉजिटिव होने से एड्स तक का सफर एक डेढ़ साल का होता है राइट right? तो एड्स बीमारी का नाम है जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और एचआईवी पॉजिटिव का मतलब होता है आपके खून में एचआईवी वायरस की प्रेजेंस है और मैं यहां पे आपको एक बात बता दूं कि ये जो एचआईवी वायरस है ना ये कैसे फैलते हैं जब ब्लड का ब्लड से मिलना होता है खून खून से कांटेक्ट में आता है तभी ये वायरस फैलते हैं अब कैसे मां ने माँ के माँ कोई है उसको एच आई पॉजिटिव है वो और माँ के बूम में बच्चा होता है माँ अपने बच्चे को दूध देता क्या कहते हैं खून देती है तो माँ के खून से बच्चे के खून में आ जाता है प्लेसेंटा के थ्रू तो माँ से बच्चे में हो सकता है मैं पॉजिटिव मैंने अपना ब्लड किसी और को दे दिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रक्त के आदान प्रदान से हॉस्पिटल में मुझे इंजेक्शन लगाया सेम सिरिंज किसी और को यूज कर ली उसको हो जाएगा तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे एच एड्स फैलता रहता है और इंडिया में आप जानते हो सबसे बड़ा जो रीजन है इंडिया में एचआईवी पॉजिटिव होने का दैट इज सेक्सुअल कांटेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट कैसा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट्स के, के थ्रू यानी कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके अंदर जो मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल एचआईवी वायरस ग्रो कर जाते हैं और यही इंडिया में 80% केसेस का रीजन है और एचआईवी पॉजिटिव अगर आप हो तो इसको अगर सही टाइम पे पता लग गया तो कुछ ड्रग्स होती हैं कुछ हेवी डोज होती हैं उनसे ट्रीट कर सकते हो लेकिन एच आई पॉजिटिव से अगर एड्स पे चले गए तो एड्स का कोई इलाज नहीं है एड्स का कोई इलाज नहीं है धीरे 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 इंसान को खत्म ही कर देता है क्यों क्योंकि आज तक इस बीमारी के लिए टीका नहीं बना है वैक्सीन नहीं बना है तो बच्चा एच एड्स इसीलिए बोलते हैं हम एच एड्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच

आ गया है, कोविड आके चला गया अभी तीन साल पहले और उसका टीके देखो कितने, तो कितने है, से केसेस से हैं अपने इंडिया में और तब से एच एड्स का अभी तक अपने पास थोड़ी किसी भी कंट्री के पास इलाज नहीं है एच वी एड्स का एच एड्स का टीका बना ही नहीं पाया कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है चलो बताएंगे क्लास के एंड में बताएंगे चलो सुनिए डायबिटीज क्या होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायबिटीज एक बीमारी है जिसके अंदर आपके खून के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है देखो जो आपका ब्लड शुगर होता है ना ब्लड शुगर यानी कि ब्लड के अंदर पाए जाने वाली शर्करा जिसको आप ग्लूकोज कहते हो अगर ये ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाता है बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो धीरे-धीरे-धीरे ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं अब भी आप नहीं मान रहे हो अब भी आप मीठा खाए जा रहे हो जलेबी खाए जा रहे हो रसगुल्ला खाए जा रहे हो कोई कंट्रोल नहीं है आपका आपकी जुबान पे आप हाइपरग्लाइसेमिया स्टेज में है हाइपर का मतलब ज्यादा बोलते ना तो हाइपर ना हो ज्यादा मत गुस्सा कर का मतलब तो अगर आपका लेवल हो रहा है और आप मान नहीं रहे हो फिर भी मीठा खाने से तो बच्चा आगे चलकर आपको डायबिटीज हो जाता है अब मैं आपको कुछ बातें बता दूं जो बहुत अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेनी है हिंदी में इसको बोलते हैं मूत्र है बीमारी अब सुनो डायबिटीज भी दो होते हैं नाम सुना है आपने ठीक है सुन लेना आज लिख लेना एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस हिंदी में अलग नाम नहीं है इंसिपिडस और एक होता है डायबिटीज मेलाइटस तो मेरा क्वेश्चन ये है आपने आंसर तो बता दिया इसका कि मैम जब पेनक्रियास सही से काम नहीं करता है पेनक्रियास डिफेक्टिव हो जाता है तो हमें डायबिटीज हो जाता है हमें मधुमेह हो जाता है चलो मान लो आपसे एग्जाम ने पूछ लिया कि कौन से टाइप का डायबिटीज हो जाता है पेनक्रियाज अग्नाशय के खराब होने से कौन से प्रकार का डायबिटीज हो जाता है अब आप फंस जाओगे है ना? इसको थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन कह देते हैं हम अब आप फंस जाओगे तो जरा सुन लीजिए जब आपका पेनक्रियास पेनक्रियास क्या होता है इसे पेड़ के पत्ते जैसा एक ऑर्गन होता है जो एक हार्मोन बनाता है जिस हार्मोन को आप इंसुलिन हार्मोन कहते हैं बड़ा फेमस हार्मोन है देखा होगा जिसको डायबिटीज होती है इंसुलिन का इंजेक्शन खाता रहता है ना इंजेक्शन चढ़ाता रहता है और इंसुलिन का इंजेक्शन पांच बजे लगना है तो पांच बजे लगना है पांच का साथ कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी है ना तो सुन जाए मेरे बात ये इंसुलिन क्या करता है ये इंसुलिन आपकी ब्लड शुगर लेवल को मेनटेन करने का काम करता है है ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है अब आपका पेनक्रियाज खराब हो गया तो इंसुलिन नहीं बनेगा इंसुलिन नहीं बनेगा तो क्या होगा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा शुगर लेवल ज्यादा हो जाएगा और इस प्रकार के डायबिटीज को हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं इसको मधुमेह है कहते हैं जबकि बच्चा डायबिटीज इंसिपिडस को मूत्र कहा जाता है कहा जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे अभी के लिए छोड़ दो अब डायबिटीज मिलाइटिस भी दो टाइप का होता है टाइप वन, एक टाइप एक सुना होगा ना फलाना इंसान को टाइप वन डायबिटीज है फलाना इंसान को टाइप टू डायबिटीज है ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको क्या होते हैं टाइप वन एंड टाइप टू ठीक है तो पेनक्रियाज देखो कितने सारे क्वेश्चन बने ये रहा आपका पेनक्रियास ये आपका शरीर है इसमें यहां होता है पेनक्रियाज ऐसा और ये पैंक्रियाज क्या बनाता है इंसुलिन हार्मोन बनाता है ये हार्मोन क्या करता है सुगर लेवल को मेंटेन करता है तो अगर ये हार्मोन कम बना सुगर लेवल ज्यादा सुगर लेवल ज्यादा मतलब हाइपरग्लाइसेमिया हाइपरग्लाइसेमिया ज्यादा दिन तक डायबिटीज मेलाइटिस ऐसे क्वेश्चन याद कर रहे आप राइट चलो अगला क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है अगेन थका हुआ क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ऐसे से पूछता है ऐसे थके हुए क्वेश्चन

ये वाइटामिन क्या करती है ये वाइटामिन हमारे बॉडी में हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होती है उनको बैलेंस करने का काम करती है जितनी भी हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रिया होती है उनके ऊपर संतुलन बना के रखने का काम करती है तो अगर वाइटामिन कम केमिकल रिएक्शन बिगड़ जाएगी केमिकल रिएक्शन बिगड़ा बीमारी हो जाएगी तो बेसिकली हम बीमारियों से बचने के लिए विटामिन खाते हैं बाकी विटामिन से एनर्जी वेनर्जी कुछ नहीं मिलती है एनर्जी के लिए काप्स खाओ प्रोटीन खाओ लिपिड्स खाओ ठीक है एनर्जी के लिए विटामिन खाने की जरूरत नहीं है अब विटामिन जो है ना ये अलग अलग काम करती है जैसे विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है विटामिन डी हड्डियों को मजबूती देता है दांतों को मजबूती देता है, अच्छा है रिप्रोडक्टिव सेल्स को अच्छा रखता है विटामिन के ब्लड का क्लोट करवाता है ऐसे विटामिन अलग अलग काम के होते हैं जैसे विटामिन ए जो होता है वो आपकी आंखों के लिए अच्छा होता है अब आंखों के लिए ही क्यों अच्छा होता है कभी सोचा आपने कि विटामिन ए से क्या करता है पता होना चाहिए ना आप सब इसका आंसर दे रहे मुझे पता है कि जैसे शाम होने, होने लगेगी शाम ढलने लगेगी आपकी आंखों के आगे ऐसे ब्लर ब्लर सा विजन हो जाएगा उसी को आप बोलते हो नाइट ब्लाइंडनेस अब विटामिन ए ही ए की कमी से ही क्यों ऐसा होता है इसके पीछे का देखो बच्चा, ये जो रंग जितना भी आप ये कलरफुल दुनिया देख पा रहे हो ना जैसे देख पा रहे हो कि ये मैम ने ब्लू कलर का पहना है ये येलो कलर है जितनी भी कलरफुल दुनिया दिख रही है वो इन्हीं सेल्स की वजह से दिख रही है आपको और दूसरा होता है रोड सेल्स रोड सेल्स का काम होता है आपको लाइट दिखाना कैसी लाइट लाइट तो दो ही होती है तो ब्लैक या है है ना बाकी तो तो सारे रंग इसी से, से बनते हैं तो इसका काम होता है दिन में लाइट में सनलाइट और थोड़ा सा अंधेरे में और अगर इस कमरे की आप लाइट ऑफ कर दो तो मैं टकराती तो नहीं इधर उधर सीधा बाहर चली जाती हूँ थोड़ा सा सेंस तो रहता है ना मुझे हल्का फुल्का दिखाई देता है ना हल्का फुल्का आपको इन सेल्स की वजह से आपको अंधेरे में भी दिखता है तो बच्चा ये जो विटामिन ए है ना ये आपकी रोड सेल्स के लिए अच्छा होता है और रोड सेल्स के लिए अच्छा है तब तक आपको ब्लैक यानी कि डार्क अंधेरे में भी अच्छे से अच्छे से से दिखाई देगा सेंस होगा अब आप विटामिन ए के लिए खाओ हरे और ऑरेंज कलर के प्रोडक्ट हरे कलर की सारी सब्जियां जैसे अभी बहुत हरे कलर की सब्जियां आ रही है भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है सरसों के साग में बथुए में मेथी में पालक में है ना एक ऑरेंज कलर के ऑरेंज कलर के क्या खाते हो पपीता खाते हो और ऑरेंज कलर का कौन सा फ्रूट होता है आ, अपने ये येलो फ्रूट खा लो केले में होता है आम में होता है इन सब में गाजर में होता है भरपूर मात्रा में विटामिन ए तो अभी गाजर आ रखी। गाजर आ का जूस निकाल निकाल के पियो ना बहुत सारा अगर विटामिन ए की कमी है तो, तो विटामिन ए ये काम करता है अगर इसमें डिफरेंस हुआ ना इसमें ये डिफेक्टिव होगी तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है फिर कलर में वेरिएशन नहीं पता लगेगा आपको वो आगे पढ़ेंगे हम चलो बाकी के ऑप्शन देखें एक बात चलो सुनो रैकेट्स कब होता है विटामिन डी की कमी से बेरी बेरी विटामिन बी वन की कमी से पेलेग्रा विटामिन बी थ्री की कमी से ये लो ये भी नोट डाउन कर ही लेना फिर कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है एडवर्ड जेनर ने क्या खोजा था अरे भैया एडवर्ड जेनर के आगे तो आप हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो जाओ क्यों क्योंकि ये वही महान साइंटिस्ट है जिन्होंने पूरी दुनिया को वैक्सीनेशन का बताया था ये वही महान साइंटिस्ट जिन्होंने पूरे विश्व को बता दिया था कि भैया टीके लग, टीके लगा लगा के बीमारियों से बच सकते हो आप तो सोचो अगर ये नहीं होते तो आज भी हमें स्मॉल पॉक्स छोटी माता बड़ी माता खसरा इनसे ही हमारे पूरे के पूरे गांव लपेटे में आ रखे होते तो फादर ऑफ वैक्सीनेशन इज एडवर्ड जेनर एडवर्ड जेनर ने

टीकाकरण के जनक हैं इन्होंने तो पूरे संसार अगर ये नहीं होते तो अभी कोरोना में हम सब निपट लिए होते अगर टीका नहीं लगा होता है ना तो बच्चा इनके तो आगे दो बार हाथ जोड़ो आप समझ तो में आ गई मेरी बात तो स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक के बीमारी का जो टीके का आविष्कार किया था वो एडवर्ड जेनर ने किया था इसके अलावा टीबी के लिए कौन सा वैक्सीन लगता है टीबी के लगता है बी सी जी बेस्टिकली कैलोम सुना है ना बच्चे का जन्म होते ही 24 से 48 घंटे के भीतर भीतर एक टीका लगता है वो यही टीका है और ये टीका किस बीमारी से टीबी से बचाता है 24 से 48 घंटे के भीतर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कौन सा टीका लगना चाहिए तो आपको बताना है बीसीजी का टीका लगना चाहिए नेक्स्ट एड्स का तो टीका बन ही नहीं पाया मैम बताएंगे ऐसा क्यों नहीं हो पाया पोलियो के लिए पहले पोलियो के लिए टीका आया था बिल्कुल सही बात है कौन सा इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आई ये टीका लगता था लेकिन जब हमारा जमाना आया तब तो तक तो दो बूंद जिंदगी की आ चुकी थी है ना और उस दो बूंद जिंदगी को ओपीवी बोलते, बोलते थे ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते थे ठीक है तो पहले पोलियो के लिए टीका आया था अब सुन लो ये भी खत्म हो गया पोलियो पोलियो खत्म इराडिकेट हो चुका है ना टीका लगवा के खत्म कर दिया ये भी खत्म हो गया TV का दो हजार है, है ना इंडिया को टीवी फ्री करने का देखते हैं अब कब तक हो जाता है है ठीक चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे और भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना ठीक है वीडियो को लाइक करके जाना अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है पढ़ाया हुआ तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोगों को बढ़िया मजा आ रहा होगा पढ़ने में तो मेरी वीडियो को लाइक में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए लाइक like का मतलब है बाकी आपके लाइक से क्या हो जाना है है ना है ना बाकी आपके लाइक से थोड़ी ना कुछ घर चलना है किसी का बस इतना सा फर्क है कि आपके लाइक से मुझे ये पता लग जाएगा कि हाँ आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है चलो मैम आप आप इतनी सुंदर और गोरी हो हो कौन सा विटामिन विटामिन खाते है? मैं ई द लॉन्गेस्ट सेल इन द्यूमन बॉडी हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका आप सब जानते हो हम सब लोग सेल से बने हुए हैं है ना अगर मैं आपके नाखून का इतना सा हिस्सा तोड़ के माइक्रोस्कोप के नीचे रख दू तो क्या होगा आपको उसमें हजारों लाखों सेल्स दिख जाएंगी तो ऐसे ही हमारे बालों में भी सेल्स होती हैं आंखों में भी होती हैं लीवर में भी होती हैं हैं में में भी होती ब्रीम में भी सेल्स होती होती सेल्स हैं सब में सेल्स हैं खून में भी सेल्स हैं तो बता दो जरा कौन सी से सेल सबसे लंबी होगी अब सारी सेल्स एक जैसे थोड़ी ना होती है ना कोई छोटी कोई लंबी कोई पतली कोई बड़ी ओके चलो मैम तो नया बैच कब आएगा साइंस का भैया टेक्निकल टीम से पूछ लो टेक्निकल टीम अगर देख रही है तो भैया बता दो कोई आ, रिप्लाई कर दो चलो सबसे लंबी सेल्स कौन सी से होती है सबसे लंबी सेल्स होती है नर्व सेल्स और इन्हीं नर्व सेल्स का नाम होता है न्यूरोन इनको हम तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जानते हैं अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लू न्यूरोन पे पाई जाती है तो आप क्या बताओगे ये पाई जाती है नर्वस सिस्टम में न्यूरोन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है न्यूरोन और इसी नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है आपका ब्रेन आपका मस्तिष्क मस्तिष्क है ना तो मैं ये कह दू कि ब्रेन के अंदर पाई जाती है न्यूरोन या मैं ये कह दू आपके नर्वस सिस्टम में पाई जाती है दोनों ही बात सही है और ये न्यूरॉन कुछ ऐसे होते हैं बच्चा दिखने में आपको दिखा देती हूं कुछ ऐसे होते हैं देख के पता लग रहा होगा बहुत लंबा सा है न्यूरोन है ना और मैं आपको एक बात यहां पे ये और क्लियर कर दू जो है ना इनमें सबसे कम रीजनरेट होने की पावर होती है यानी कि एक बार ये कट गए फट गए टूट गए खराब हो गए तो फिर से इनसे उम्मीद मत रखना कि ये वापस से अपना काम करेंगे इसीलिए इनको थोड़ा सा सही से चलाओ ओके तो यही न्यूरॉन जो है यही न्यूरॉन आपके आईक्यू लेवल के लिए होते हैं यही बताएंगे आप कितने होशियार हो क्या मेमोरी पावर है आपका आईक्यू लेवल क्या है आईक्यू लेवल के लिए तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है स्पेशली राइट right? तो न्यूरोन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फर्स्ट यूज्ड द टर्म बायोलॉजी ऐसा क्वेश्चन किसी में आया है क्या भैया आप यूपी कांस्टेबल का जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर को उठा के देख लेना यही क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है आते है तभी तो पढ़ा रहे नहीं तो काय को पढ़ाते हैं हम यहाँ पे चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द जीव विज्ञान बायोलॉजी तो याद कर लो ऐसे L &T. L &T एक है ना? लगते ना में तो लेमार्क इन ट्रेविनेरियस वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले एटीन जीरो वन से लेकर एटीन जीरो टू का समय था उसमें इन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया था ठीक है अरस्तु को क्या कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी ये तो भैया अरस्तु नहीं होते तो आज मैं भी शायद कुछ और पढ़ा रही होती हूँ मैथ्स को छोड़ के क्योंकि मैथ्स मेरे को बिल्कुल नहीं आता है ना ठीक है बाकी साइंटिस्ट के बारे में क्वेश्चन भैया अक्सर पूछता है ऐसे क्वेश्चन है ना सीजीएल दिया है किल सी एच एस एल में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या कहलाता है

पूरे फैब्रिक का फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो बहुत सारे लोग इस करके ये सिल्क वोम प्रोडक्शन करके लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे देख रहे हो आजकल केंचुआ केंचुए का पालन करके कहां से कहां लोग पहुंच गए ऐसे सिल्क कल्टीवेशन करके कहां से कहां पहुंच गए तो जब सिल्क के बारे में मतलब आप क्या करते हो इसके पालन के बारे में अध्ययन करते हो तो क्या कहलाता है तो बच्चा हिंदी में नाम क्लियर है सैरिकल्चर कल्टीवेशन को हम कहते कहते हैं। हैं? किसको है? मछली पालन को। अब मछलियों तो है, है खाते भी हैं लोग है ना हॉर्टिकल्चर क्या होता है जो ऑर्नामेंट्स फ्लावर्स होते हैं सजावटी जो पौधे होते हैं जैसे ऑर्किड हो गया लिली हो गया है ना इनके बारे में स्टडी करना And, क्या बचा एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन मधुमक्खियों का भी पालन होता है बनता है मधुमक्खियों से है ना तो ये चारों क्वेश्चन लिख लेना और अक्सर ये एग्जाम में है खून लाल है आपका मेरा आपके भाई, आपके भाई का आपके भाई का आपकी बीवी का आपकी होने वाली गर्ल नहीं आपकी होने वाली बीवी का आपकी गर्लफ्रेंड का सबका खून कैसा है लाल है किसी का खून देखा है कि आपने पीला नीला नहीं देखा होगा ठीक है क्यों क्योंकि हमारे खून में एक ही पिगमेंट होता है जिसकी वजह से खून लाल होता है अब यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही है खून लाल होने के पीछे दो रीजन है दोनों ही सही है यहाँ पे ऑप्शन बहुत सही होगा यहाँ पे राइट खून में होती है लाल कलर की सेल्स आरबीसी कहते, कहते तो वजह से आपका खून लाल होता है अब मैं आपसे पूछती हूँ हेमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है कि खून लाल होता है अब कौन आंसर करेगा ये तो किताबों में लिखा हुआ ल्यूसेंट के रट्टे लगा रखे हमारे बिहार विहार के बच्चों ने तो

बैंक में आप कुछ भी लिख दो क्या दिक्कत है सीमा हैदर का लिख दो तुम एड्रेस बैंक अकाउंट में चलो कौन बच्चा बताएगा मैम पटना में धारा एक लगी है पढ़ाई नहीं हो रही है आई नो बच्चा लेकिन एक बात बताओ पढ़ना तो पड़ेगा ना भले ही वैकेंसी कम है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना वैकेंसी कम है हमें उम्मीद भी है बढ़े इसके लिए मैं भी लगी हुई हूँ बाकी सब टीचर्स बच्चे भी लगे हुए हैं मुझे पता है लेकिन अब क्या करें करना तो पड़ेगा है ना मैम फॉर्म फिल करते समय मैंने इंग्लिश लैंग्वेज चूज किया है तो क्या हिंदी में एग्जाम दे सकता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज चूज किया तो कोई फर्क नहीं है वो तो आप वहां पे जाओगे तो पेपर आप हिंदी इंग्लिश में आपके ऊपर वो ऑप्शन होता है ना ठीक है मतलब आप लोग फॉर्म भरना शुरू हो गए हो है ना इसका मतलब आप लोगों ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया है चलो मिलानिन की वजह से खून लाल होता है ये भाई साहब कौन है ये इतना भी नहीं पढ़ना होता है ज्यादा ज्ञान भी खतरनाक होता है आधा ज्ञान तो होता ही होता है ज्यादा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है सुनो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना ये जो हिम है ना दैट इज आयरन कंपाउंड अच्छा आपको पता है ना लोहा होता है लोहे को पानी मिल जाता है ऑक्सीजन मिल जाता है तो लोहे पे जंग लग जाता है और लोहा लाल भूरे रंग का हो जाता है ठीक यही प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है हमारे हीमोग्लोबिन में आयरन कंपाउंड होता है और आप जानते हैं हमारे बॉडी में ऑक्सीजन तो होता ही और 70 पानी पानी है ऑक्सीजन पानी मिल गया इस लोहे को तो क्या हो गया? हो गया गया खून लाल इसलिए हमारे कभी कभी बुक्स में लिखा हुआ होता है कि हमारे खून में आयरन है जिसकी वजह से हमारा खून लाल होता है वो भी अपनी जगह सही है वो भी अपनी जगह सही है अब आप मुझे बताओ आपने कभी सफेद खून देखा है क्या सफेद खून किसका होता है कॉकरोच लड़कियों का दोस्त लड़कियों का दोस्त होता है ना लड़कियां बहुत प्यार करती हैं कॉकरोच को जिसको हिंदी में तिलचटा कहते हैं कॉकरोच को मारना वैसे जानवर नहीं मारना चाहिए जीव हत्या महापाप है है ना किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए आप भी तो जीव है अगर आपकी हत्या करे तो आपको कैसा लगे तो वही बात है सेम किसी भी जीव की हत्या हत्या नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं बता रही हूँ कॉकरोच का खून जो होता है वो सफेद कलर का होता है क्यों होता है किस जोन से भरे मैं एक वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्दी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस जोन से भरे आप फॉर्म ठीक है आई नो मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि मैम ये बताओ कि कौन सी जोन से पहने जैकेट किसकी पहनी है किसकी पहनोगे तुम्हारी तो पहनी नहीं है अपनी खुद की पहनी है और किसकी पहनी है ठीक है कॉकरोच के अंदर क्या होता है जैसे हम लोगों में हीमोग्लोबिन होता है वैसे कॉकरोच में होता है हीमोलिम्फ और इसी लिम्फ की वजह से कॉकरोच का खून सफेद होता है ये क्वेश्चन आ जाता है वनडे एग्जाम में ठीक है मैम मेरा नाम ले लो प्लीज डॉक्टर दिलराज मीना और डॉक्टर साहब नमस्ते गुड इवनिंग ओके ठीक है बच्चों मैम आप जॉब करती है एक ऐसा क्वेश्चन है अभी पढ़ाना ही तो पढ़ाना जॉब में कंसिडर नहीं होता ये तो वो बात हो गई मैं हमारे गाँव गई थी एक बार मैं छोड़ो मतलब क्या कहते हैं हमारे एक बहुत दूर के रिश्तेदार हैं जो एलन कोटा में टीचर हैं तो एलन में आपको पता है एलन में जो हो आठ दस साल से लगे हुए हैं केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उनके तो पैकेज बहुत ज्यादा होता है तो उनका पैकेज कम से कम होगा चार पांच करोड़ रुपए का तो एक बार वो हमारे गांव गए तो किसी अपनी दादी वादी को बोला ने बताया कि ये वो भैया हैं जिनका पांच करोड़ का पैकेज है एलन एलन में को, कोटा में कोटा तो कब कब तो तो ना ठीक <laughs> है चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्वेश्चन नंबर इलेवन अच्छा ये देखो ये आपका खून है चोट लगी इस तरीके से आपकी नस फटती है नस फटने का मतलब आपकी ब्लड वेसल्स फटती है आपकी वाहिकाएं फटती हैं और इनसे क्या निकलता है इनसे आपका खून निकलता है अब खून में क्या क्या निकलेगा ये जो लाल कलर की दिख रही है ये आरबीसी है ये जो आपको दिख रही है ना ये झिंगा लाल सी ये है मलिंगा मलिंगा की कैप जैसी प्लेटलेट्स और ये होती है व्हाइट ब्लड सेल्स और ये जो पीले कलर का लिक्विड दिख रहा है ना दैट इज प्लाज्मा प्लाज्मा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय का मतलब होता है भूकंप भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है इंटेंसिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है आप तो बता दो बैरोमीटर क्या करता है एटीएम एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए करता है वायुमंडलीय दाब को मापते हैं इससे तो है ना हाइड्रोमीटर क्या करता है हाइड्रोमीटर किसी भी लिक्विड की आ आपकी रिलेटिव डेंसिटी है हाँ ना रिलेटिव डेंसिटी मापने में काम आता है ठीक है सिस्मोग्राफ सिस्मोग्राफ क्या करता है है का ही काम होता भूकंप की तीव्रता को मापना भूकंप की तीव्रता को मापने का काम करता है हां जी अभी मैं कुछ नहीं कह सकती ए एल पी बैच बैच का यार अभी कोई बात नहीं अभी कोई बैच नहीं है आप लोगों को पढ़ा तो नहीं हो यूट्यूब पे पढ़ लो ना क्या दिक्कत है यूट्यूब पे पढ़ाओ तो मैम बैच कब आएगा बैच पढ़ा लो तो आ गए कोर्स बेचने आ गए पैसा कमाने अरे यार अभी YouTube पे पढ़ो बढ़िया तरीके से तुम लोगों को पढ़ने से मतलब है ना चलो नेक्स्ट हु इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बहुत थका हुआ क्वेश्चन है इसको जल्दी से फटाक से कर लो आप जानते हो है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन को मेजरमेंट करने के लिए या फिर मतलब जो इंडिकेट कर देता है मेजरमेंट नहीं कहेंगे इंडिकेटर कहेंगे ना सूचक माना माना गया है? इसको माना गया है है शैवाल तो हो नहीं सकते भैया शैवाल तो कौन से होते हैं जनरली मैं बच्चों से पूछती हूँ काई होता है मैम पानी के ऊपर जो ग्रीन कलर की काई आ जाती हो, है वो सेवाल होती है वो काई होती है ना वो सेवाल नहीं होती वो काई होती है ठीक है टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा हो नहीं सकते लाइकिन लाइकिन को हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट सो जो बच्चा लाइकिन होता है क्या चट्टानों के ऊपर लगे हुए होते हैं हिमालय हिमालय की रेंज में जाओगे ना वहां आपको मिलेंगे ठीक है ये क्या होता है ये एक हाइब्रिड रिलेशनशिप होता है हाइब्रिड की जगह सिंबायोटिक रिलेशन बोलो ज्यादा अच्छा होगा किस किस का एलगी प्लस फंगस का कवक और शैवाल का एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब होता है बच्चा सहजीवन संबंध यानी कि ये दोनों साथ रह के क्या बनाते हैं एक सिंबायोटिक रिलेशन में आपका लाइकेन बनाते हैं और यही लाइकेन क्या करता है सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह बताने का काम करता है नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछू लाइकेन को प्लांट किंगडम में कहा रखा गया है कहां रखा गया है इसको चलो ये आप कॉमेंट करके बताना इस वीडियो के नीचे पहले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फॉलोइंगजार हेमोग्लोबिन टू फॉर्म स्पेसिफिक कौन सी तो गैस है अरे अभी आपने न्यूज सुनी होगी ना लास्ट मंथ में एक कहा की यूपी की थी ना यूपी में एक परिवार हीटर जला के सो गया था और कमरा बंद करके चार के चार लोग मर गए थे बस वो यही है बस वो यही है बस वो यही है ठीक है क्या होता है देखो जनरली आप जानते हो कि आपके खून के अंदर ब्लड ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन और इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है ऑक्सीजन जब तक हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तब तक हम सब जिंदा है ठीक है अब मैंने इस कमरे को बंद कर दिया और इस कमरे में जला दी एक अंगीठी हर साल मरते हैं हजारों लोग मरते हैं ना अंगीठी जला दी अंगीठी समझते हो कोयला वयला डाल दिया कोयले में क्या होता है कोयले में कार्बन होता है कार्बन के बिना तो कोयला होता ही नहीं है है ना तो ये कार्बन जलेगा जलेगा तभी तो आग लगेगी आग आग तापने के लिए आप क्या कर रहे हो अंगीठी जला रहे हो ताकि आपको एहसास हो अब कमरे के अगर दरवाजे खुले हुए हैं तो प्रॉपर एयर आ रही है एयर में ऑक्सीजन आ रही है अगर इस कार्बन को सही से ऑक्सीजन मिल रहा है तो इस कमरे में सीओ टू बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर यहां पर आपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी सब तो ये ऑक्सीजन की पावर कम हो जाएगी हाफ ऑक्सीजन मिलेगा आपको हाफ ऑक्सीजन मिलते ही पे नहीं बनेगा, अब बनेगा CO, और सीओ को कहते हैं आप कार्बन मोनोऑक्साइड, और बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड ना ऑक्सीजन से दो सौ गुना ज्यादा जल्दी जाके हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है जुड़ना चाहिए था ये और जाके जुड़ जाता है ये और ये जाके आपकी सेल्स के अंदर धीरे धीरे आपको मीठी सी नींद लाएगा आपको लगेगा नींद आ रही है और धीरे 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 नींद से बेहोशी सबकॉन्सियस स्टेज में और सब से अनकॉन्सियस स्टेज में अनकॉन्सियस से आप खत्म आपका दिन मतलब नींद से उठोगे ही नहीं आप इसीलिए हम इसको कहते हैं दम घोटू गैस सफोकेटिंग गैस मीठी नींद लाने वाली गैस ये इसके कुछ नाम होते हैं तो सबसे ज्यादा जल्दी हमारे हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है और एक परमानेंट पिगमेंट बना लेती है कार्बोक्सी हिमो, कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन नाम का जिससे ऑक्सीजन की पावर कट हो जाती है सेल्स में और हमारा जो सेलुलर फ्यूल है उसका नहीं हो पाता है आपकी सेल्स धीरे 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 खत्म चार पांच घंटे के बाद आपको नींद सी आएगी ऐसी नींद आएगी कि आप उठ ही नहीं पाओगे और ये हर साल होता है सुना होगा मनाली में जा रहे थे लोग गाड़ी के शीशे बंद कर दिए और अंदर हीटर चला लिया मर गए लोग बहुत बार होता है है ना ये यही पर यही प्रोसेस की वजह से ऐसा हो जाता है तो इसका आंसर है सीओ सीओ बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्वेश्चन नंबर सेल फर्स्टली बाय हु बायोलॉजिस्ट। यानी कि सेल जो शब्द है वो किसने दिया था कोशिका शब्द सबसे पहले दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने ओह रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की और खोज करके पहले सेल का नाम रखा था सेला पहले इसको सैला रखा और बाद में इस सैला को सेल बोल दिया था सैला का मतलब लैटिन भाषा में लैटिन भाषा में सैला कहते हैं और इसका मीनिंग होता है रूम रूम जैसा जैसा कमरा कमरा जैसे होता है ना वैसा वैसा फिर सेल ठीक है एंटोनी वॉन एंटोनीक ने तो बहुत काम किया है भैया फर्स्ट बैक्टीरिया जीवाणु उन्होंने खोजा है स्पम सुक्राणु कोशिका की खोज इन्होंने की है आरबीसी की खोज इन्होंने की है और, 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 और क्या किया है ल्यूवन हॉक ने

नोट डाउन कर लेना है एक-एक वन लाइनर की फॉर्म में आपको और इसी के साथ आपकी क्लास के 15 क्वेश्चंस आज के खत्म होते हैं अब मुझे ये बताओ आपको क्लास कैसी लगी और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देगा एक बार फटाक से इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा अच्छा मैं टेलीग्राम चैनल लिख दूं क्या है इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है साइंस बाय काजल सिहाग ठीक है ये मेरा नाम है इसी नाम से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ आप वहां पे फॉलो करके कोई इंक्वायरी हो कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हो इस नाम से आप टेलीग्राम चैनल सर्च करोगे तो कुछ फेक भी आते हैं लेकिन एक उनमें से मेरा ही मिलेगा लगभग जिसमें पता नहीं पैंसठ कितने मैं देखती नहीं हूँ कितने बच्चे हैं पैंसठ हजार के लम्सम होंगे ठीक है उस पर मैं इसका पी डाल दूंगी विद आंसर की आंसर की मैं लगा दूंगी ठीक है और मैं मिलूंगी आपसे कल कल सेम टाइमपिंग सेम टाइम सेम जगह आठ से नौ में मिलूंगी आपसे कल हम तीनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे बायो, फिजिक्स तीनों के करेंगे कल हम राइट अब क्लास कैसी लगी वो मुझे बताना ना भूलें कमेंट करके इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट चाहिए लगभग सौ से डेढ़ सौ कॉमेंट ठीक है अगर उतने आ गए तो कल की क्लास में हम आठ से नौ में बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करेंगे और, और क्या

बढ़िया से रहो बढ़िया से पढ़ो और एएलपी वाले बच्चों के लिए मैं यही कहूंगी बच्चा आखिर में आके पढ़ना तो पड़ेगा ही ना हालांकि वैकेंसी कम है हो जाएंगी उम्मीद तो यही है बढ़ेंगी लेकिन अगर नहीं सरकार निकम्मी आप भी जानते हो क्या कर सकती है क्या नहीं वो देखते हैं अभी फिलहाल तो अगर बढ़ती है एक पॉइंट पे आके तो वो तो बहुत ही बढ़िया है हम लोगों के लिए बाकी पढ़ना तो पड़ेगा ही ना ठीक है चलो ओके